वन विभाग की टीम ने सागौन की अवैध कटाई कर तस्करी करने वालों को धर दबोचा है। वन विभाग कई दिनों से इस गिरोह को पकड़ने के लिए जाल बिछा रही थी। परासिया वन विभाग के अंतर्गत मयूर वन में वन विभाग की टीम ने सागौन के पेड़ अवैध रूप से काटते हुए तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा है। टीम का छापा पड़ते ही कुछ आरोपी फरार होने में सफल हो गए। मौके से 3 आरोपियों विभाग की टीम ने हिरासत में ले लिया है। तीनों से पूछताछ के दौरान तस्कर सफी खान उर्फ पप्पी का नाम सामने आया है। आपको बता दें, कई दिनों से अवैध रूप से सागौन की कटाई की कई शिकायतें मिल रही थी। वन विभाग की टीम को जैसे ही आरोपियों द्वारा कटाई की सूचना मिली, तत्काल छापा मारा और आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। रात में जब हमारा परासिया वन क्षेत्र में पहुंच रहा, गश्ती के दौरान मयूर वन के कंपार्टमेंट 721 में गश्त कर रहा था, तो गश्त के दौरान 3 आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। इसमें से 2 आरोपी फरार हो गए हैं और इनके द्वारा सागौन की कटाई करके और अवैध परिवहन का आरोप किया जा रहा था, जिनको हम लोग भारतीय वन अधिनियम की धारा 1927 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। ये भी आप पहली बार गए थे जंगल तो पकड़ा गया, बाकी तो हम घर की छटाई वगैरह करते थे। लकड़ी का धंधा किसके लिए करते थे? ये लकड़ी का धंधा तो जो मतलब था वो करता था, हम लोग सिर्फ लाके उसको दे देते थे। किसको, क्या नाम है उसका? नाम नहीं मालूम। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।